हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, वेलकम बैक टू अनदर पबजी द मोबाइल वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? लोग के बाद सीधा सबसे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और साथ में लाइक का बटन दबा देना है और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर देना है। सब्सक्राइब का बटन नहीं भूलना है, वो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन होगा उसको मारो, पीटो, घसीटो, आई डोंट केयर, वो दब जाना चाहिए, वो ग्रे हो जाना चाहिए। और साथ में उसके साथ बेल आइकन आएगा जिससे अगर उसको आप दबाएंगे तो आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो आज आपका भाई आपको बताएगा कि लेविक में ऐसे अंडरग्राउंड ग्लिच बताएगा जिससे आप रैंक पुश करेंगे तो आपको उससे बड़ा फायदा होगा रैंक पुश करने से। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो हम इधर लॉबी में घूम रहे होते जैसे कि हमेशा वेलो की तरह घूम रहे होते हैं, जैसे कि हमारा रेगुलर का काम है लॉबी में। अब आपको मैं क्रैप ग्रास की तरफ लेके जाता हूँ, आपको मैं जगह बताता हूँ कि आप लोगों को कहाँ से किधर जब मारना है। इधर पता नहीं मेरा दोस्त किसी बंदे के साथ बात कर रहा था कि आपका ये नाम है, उसका कोई एच बी एल फरहान नाम था, मेरा दोस्त हंस रहा था उस पर, यार बैंक लेके आया है। तो आप लोगों ने सबसे पहले जाना है क्रैप ग्रास के अलावा और कहीं भी नहीं जाना। अगर आप और कहीं पर गए तो वो ग्लिच काम नहीं करेगा, वो सिर्फ क्रैप ग्रास में ही काम करेगा। मैंने कहा तो क्रैप ग्रास जाओ तो बस जाओ। तो इधर हम आपका भाई जा रहा है क्रैप ग्रास, सही है, तो काफी तेजी के साथ जा रहे हैं। और आपके भाई का पैराशूट जो बिल्कुल गोल्डन ड्रैगन बना हुआ है उसके ऊपर, यार आपका भाई बड़ा अमीर है, यार बहुत अमीर है, पैसों की कमी नहीं है इसे गोल्डन ड्रैगन वाला पैराशूट। इधर आराम से जल्दी जल्दी सल्यूट करते हैं और थोड़ी देर बाद मुझे इधर से राइट वाले घर से फुट से पा जाते हैं। मुझे लगा इधर पहले तो मुझे लगा बंदा नहीं है, मेरे दोस्त की फुट से पा रहे, लेकिन बाद में मुझे पता चल जाता है कि वहाँ पर बंदा है। मैं दोस्त को भी बोलता हूँ कि हमारे साथ वाले घर में है बंदा, बीफ और बंदा उसके फुट से बड़े खराब खराब आ रहे होते हैं। मैंने कहा उसके कुछ करना पड़ेगा, पर मैं पीछे आता हूँ, थोड़ी वो लूट मिल जाएगी, लेकिन मेरे दोस्त उधर सफाई कर लेते हैं। तो मैं वो पहले इधर नीचे उतर जाता है, तो मैंने कहा दो बंदा नीचे उतर गया लेकिन वो शर्ट नहीं है तो वापस चले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो मैं इधर पहले देखता हूँ कि बंदा मुझे नज़र आ जाए, लेकिन नज़र नहीं आता। इधर मैं वापस ऊपर चढ़ जाता हूँ, शायद इधर से मुझे एंगल मिल जाए। इधर मैं आराम से बैठ के टीपीपी ले लेता हूँ, उधर सामने ये देखो, वाह भाई वाह, ये देखो अब इसको तो मैंने फायर किया, पहले फायर बच भी सकता, घर ये अंदर चला तो बच भी सकता, लेकिन नहीं इसको तो अंदर जाने ही नहीं देंगे। साइड में उसका दूसरा बंदा आ जाता है, इधर से मुझे चला एंगल तो नहीं मिला होता, एक दो गोलियाँ लग जाती है, लेकिन खैर उस बंदे में मेरा दोस्त ही मार देता है। चलो कोई नहीं यार, उसे मार दिया तो मार दिया यार, कोई नहीं यार ब्रो, कोई नहीं। इधर मजे से इसके अपनी लूट करते हैं। सर अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपके वो ग्लिच कैसे करना है। आपने आने ये क्रैप ग्रास में इस टेबल के पास आने, जो ग्रीन कलर की टेबल है, इसके पास आके खड़े हो जाने और वैसे ही पिछली क्राकिन की जो मैंने क्राकिन की ग्लिच की वीडियो बनाई थी, मतलब मुक्का और जंप एक साथ ही मारना है, पंच एंड जंप एट द सेम टाइम, प्रेस पंच एंड जंप एट द सेम टाइम। तो ये ग्लिच होगा। उसके बाद इधर एक काउंटर वाला प्लेयर आ जाता है, मैं उसको मार देता हूँ। अब आपको मैं ग्लिच बताता हूँ, किसी तरह लोकेशन बता देता हूँ कि क्रैप ग्रास के इस जगह पे जाना है। और आपने इधर आके इसके साथ इसके सामने इस तरह खड़ा होना है और आपने प्रेस मतलब मुक्का और जंप साथ में मारना है। अगर हो सकता है पिछले एक दो बार में नहीं हो जाए, लेकिन थोड़ा एक दो बार करने के बाद ये खुद ही हो जाएगा। ये देखो जिस तरह मैंने जिस एंगल पे मैं खड़ा आपने वहां पर ही जाना है। और टन टन आप जैसे कि देख सकते हैं मैं वापस आ गया हूँ, अंडरग्राउंड आ गया हूँ। आप इधर आराम से बैठ सकते हैं, मतलब आप अंदर से बंदे तो नहीं मार सकते, लेकिन इधर आराम से बैठ सकते हैं, सर्वाइवल अच्छी खतरा है। हाँ नेट फेंक सकते हैं, नेट वगैरह आप तो बाहर फेंक सकते हैं, इधर आप अच्छा खासा सर्वाइवल टाइम ले सकते हैं। और इधर मुझे दोस्त मेरे ऊपर आके कहते हैं यार मुझे बताओ तरीका। मैंने कहा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना जाके देख लियो, अभी मेरे से नहीं पीछे, अभी मैं तेरे को नहीं बताऊंगा, जब तू मेरी वीडियो देखेगा तब तेरे को खुद बखुद पता चल जाएगा कि ऊपर कैसे चढ़ा जा, ऊपर नहीं नीचे कैसे उतर जाता है। इधर मैं आराम से इस दोस्त को थोड़ा बहुत तंग कर रहा हूँ, मुझे इधर गाली देने शुरू हो जाते हैं कि यार तुम खुद चले गए, मुझे भी लेके जाओ, इधर स्मोक करते नीचे आ जाते हैं। देखो उसको स्मोक पीने का भी अपना तरीका है, मेरे पास नेट वगैरह कुछ है नहीं कि आपको मैं इसी तरह बता दूँ कि आप कैसे जाए। मैंने इसके बाद दूसरे से पीछे गेम में भी नहीं है ट्राई किया, उधर मैंने नेट अच्छे बड़ा काफ़ी अच्छा फेंका है और इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई नहीं इंशाल्लाह बहुत खराब मारेंगे और इतना खराब मारेंगे इधर से बंदे, इधर से बड़ा अच्छा खासा काउंटर पुश करे तो इधर आराम से आके बैठ जाओ, सर्वाइवल टाइम अच्छा खासा मिलेगा क्रोन के टायर में या इसके टायर में। ये जगह काफ़ी ओपी जगह है यार रैंक पुश करने के लिए, तो इधर मैं अच्छा खासा बस कर लेता हूँ, उसके बाद आप पूरा गेम प्ले देख लें, बड़ा मज़ा आएगा आपको पूरे गेम प्ले में। इधर अच्छा हम आराम से अच्छा खासा लूट कर रहे हैं, लूट किया, देखो लूट करना मज़ा, लूट करना ज़रूरी है, बगैर लूट के कुछ होता नहीं है। मैंने फोर कितनी सारी एमो उठा ली थी ना, कि बस क्या बताऊँ कि कितनी एमो उठा ली थी, मुझे फायर की आवाज़ आ रही थी, मैं दोस्त को कह रहा था उस साइड से, मुझे फायर की आवाज़ आ रहे हैं, चलो चलते हैं बंदे मारने के लिए, बंदे पेलेंगे इतना ख़राब पेलेंगे कि कितना कितना पेलेंगे। जैसे मुझे बंदा नजर आया तो घर की तरफ भाग रहा था, मैंने कहा ये देखो बंदा जा रहा है इस घर की तरफ, चलो कीमा बनाते हैं, यार आपका भाई प्रो प्लेयर है, घुस के मारेगा घुस घुस के। इधर घर से मुझे फुट से पाना शुरू हो जाते हैं,
मैं दोस्त को बोल देता हूँ कि ये एक बंदा इस घर में है, तो मैं इस घर में अगर रोटेट करता हूँ तुम जाके ऊपर से जाके पहाड़ की तरफ से रोटेट करो। तो ये बंदे के पहले इधर मैं आराम से टीवी पी लेके इधर इसका आराम से इंतजार कर रहा था। भाई जान सामने तो आओ जी, आ जाओ इधर, ये सामने इधर मैं इसको मार सकता हूँ, मैंने इसको फायर दे लेकिन बच गए। इधर मैं पहले सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, तो इधर मैं वो पीछे से, वाह मेरे दोस्त को उधर पीछे से कैंपर उसके दूसरा टीवी कैंप करके बैठा होता है उसको मार रहे। अगर मैं नेट पे तो ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, बाहर निकलो जी, अभी क्या निकल, अभी क्यों निकल रहे हो, जब मैंने टपका दिया अभी निकल रहे हो, वाह भाई वाह, कौन से लड़के कभी गेम खेल रहे हो। इसको फिनिश कर देता हूँ, मैं रिलोड करने के खड़े हो जाता हूँ, मैं सीधे रिलोड कर देता हूँ। उजी लिली जितनी गन लेके आ जाता है, वाह यार उजी शॉर्ट रेंज में सही किंग है ना, सही खराब खराब मारती है। उम्मीद था आज आपको अच्छा ग्लिच पसंद आया होगा, आज की वीडियो भी पसंद आया होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वो रेड कलर का बटन दब जाना चाहिए, सही है, मेरे ये सोच के मेरे डूमे इस नहीं, इसलिए आपको प्लैटिनम दिखा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी वीडियो पसंद, कमेंट करके बताएं आपको क्या और आ जाए, और आपको और ग्लिच चाहिए कि नहीं चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।